गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए जित मेरे साथ जुड़े हुए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत सिमरन अमन कपूर अमन अमन्वर्म, वर्मा कृति डॉक्टर एकता इंदु भगत दीक्षा जैन रानी जयसवाल साहिल खान अभिनव सिंह बालाजी चैनल नमस्कार नमस्कार चलिए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए एंड अपने दोस्तों को भी जल्दी से बुलाइए And जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस चैनल में अभी तक तो जुड़े हुए नहीं है उनको भी मोटिवेट करें कि इस चैनल तक पहुंचे इस चैनल में बच्चे बहुत कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है ठीक है अब देखिए आज के लेक्चर में अगर देखा जाए तो आज के जो सेशन है जो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है और आज के सेशन में हम स्पेशली एन अभ्यास मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर वन ये अपन लेकर आए हुए हैं देखो ये जो मॉक टेस्ट है ये मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट

मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो जियोलॉजी बॉटनी के जो कंबाइन सेक्शन है जिसमें जेनेटिक्स हो plant, as well as कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो ये टेस्ट देना शुरू कर दें एंड टेस्ट जब आप दोगे साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा एंड उसके डिटेल की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एंड इस चैनल के थ्रू बच्चे नीट करियर पॉइंट कोटा चैनल जो है इस चैनल के थ्रू आपको आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी क्लियर बात अब देखिए बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए बहुत लोग हैं मोहम्मद अफसर अंकित अमन कपूर अजीत सुनिस्था अभिनव साहिल खान नाना दीक्षा रानी जायसवाल

ठीक है तो आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो आपके रिजल्ट जो बेहतरीन हो इसलिए हम जो है नाइन पी आपके लिए एक नया एक शानदार एक सेशन लेकर अपन आपके सामने उपस्थित थे हैं ठीक है तो एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट वाले ये अपन स्टार्ट करने चलिए कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हुए भी है वो कह रहे हैं कि सर आई लव स्टिंग फ्रॉम यू ठीक है तो बेसिकली बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं चलो आगे बात करते हैं तो एनटीए मॉक टेस्ट नंबर वन इसमें बायोलॉजी की हम बात करें बायोलॉजी में भी कंबाइंड पोर्शन ऑफ बॉटनी इन इसकी हम नॉर्मली हम बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं देखो चो इसमें देखो चो सबसे पहले मैं सभी बच्चे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए पहली बात यह है बच्चे, पहली बार ये बात ये है कि आपको जिस आप में से जिस बच्चे ने भी अभी तक ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें बच्चे इस ऐप में इस ऐप में आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं इस ऐप से आप मुझसे और बाकी टीचर से फॉलो भी कर सकते हैं ठीक है तो इस ऐप में जाकर आप गोपाल कुमार पॉल ठीक है फैकल्टी मोटनी आप जानती हो मुझे आप मुझे पहचानती हो आपको फॉलो करने हैं ठीक है एंड यहां पे आप फैकल्टीज को टैग भी कर सकते हो विद योर डाउट ठीक है जो भी आपके डाउट है इस ऐप पर जाकर आप फैकल्टीज को टैग करके आप उसके डाउट पूछ सकते हैं इसके साथ साथ बच्चे इस इस पूरे पूरे ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें एंड इस इस ऐप ऐप को को डाउनलोड करने के बाद चलाइए ठीक है जो भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को देखिए कि किस ऑप्शन में क्या अवेलेबल है बहुत सारे कोर्सेज इस ऐप पर अवेलेबल है कुछ पेड कोर्सेज हैं कुछ फ्री कोर्सेज हैं फ्री कोर्सेज को वॉच करें ठीक है आपको समझ में आ रहा है तो बच्चे आप पेड कोर्स में भी जरूर आइए ठीक है जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया बच्चे उन सभी से रिक्वेस्ट है जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी इसी के इसी वक्त आप क्या करें इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें क्लियर बात चलिए नेक्स्ट मेहंदी हसन आगे बात करते नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए नेक्स्ट जी देखो फैकल्टी इसमें गोपाल कुमार पॉल को आप फॉलो करिए ठीक है अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें और भी फैकल्टीज हैं जिनको भी आप टैग कर सकते हैं जिनको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉलो करेंगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब देखिए बच्चे इसमें खास बात क्या है कुछ कोर्सेस हमने लॉन्च किए ठीक है जैसे ऑनलाइन लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर इलेवेंथ इलेवंथ नीट ठीक है ऑनलाइन लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर ट्वेल्थ नीट फेज टू फेज वन एंड ऑनलाइन लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर लाइव कोर्सेज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इसको आप जरूर देखेंगे आपको बेसिकली चार ऑप्शन मिलेगा फीड डेली डोजेस कोर्सेस इसके अलावा फ्री स्टप्स एंड ये चार कोर्सेस ठीक है फी, फीड डेली डोजेस कोर्सेस एंड फ्री स्टप्स ये चार ऑप्शन मिलेगा आप चार ऑप्शन जरूर देखेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ये सारे देखिए एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है ठीक है क्रैश कोर्स फॉर नीट क्रैश कोर्स फॉर नीट ठीक है क्रैश कोर्स फॉर नीट थर्टी थर्टी डेज थर्टी डेज का ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है आपके इसी चैनल पर इसी ऐप पर ठीक है ये कर, पॉइंट लर्निंग ऐप इसी ऐप पर अल्टीमेटली स्टार्ट होने वाला है चलिए और इस चैनल पर मतलब इस ऐप पर जितने भी हैं बच्चे इन सभी कोर्स में से किसी भी कोर्स को अगर आप परचेस करते हैं तो बच्चे आप इस कूपन कोड इस कूपन कोड को यूज कर, कर सकते हैं जीके टेन ठीक है येट टेन परसेंट डिस्काउंट इन एनी टाइप ऑफ कोर्स किसी भी कोर्स में आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है स्टार्ट करता हूं मुझे स्टार्ट करता हूं ठीक है एंड दिस को दिस कूपन इज वैलिड अप टू थर्टीथ जून अच्छा थर्टी जून तक ही वैलिड है जून से पहले पहले आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ठीक है तो ये सारी बातें ठीक है अगर आप ऐप में देखें तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नॉर्मली रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स पेनड्राइव पेनड्राइव लेक्चर्स टेस्ट सीरीज स्टडी पैकेजेस ठीक है सारे ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस पहली बात है कहा सुना है, नाम आपने कहां सुना, है? नाम आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी में कहा सुना बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे दो चैप्टर एंड बायोटेक की अगर बात कर बायोटेक में क्या खास बात है कि बायोटेक बहुत ही छोटा पोर्शन है दो चैप्टर कंटिन्यू करता है चैप्टर है दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन एग्जाम है। अगर इसके ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन कई बार इस दोनों चैप्टर मिलाकर फाइव टू एट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो पूछ हैं ठीक तो है क्वेश्चन है बायोटेक में दो चैप्टर है बायोटेक प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड बायोटेक एप्लीकेशंस ठीक है और ये क्वेश्चन जो है बायोटेक एप्लीकेशन का है बीट बीटी कॉटन का है और सभी बच्चों के जवाब मेरे सामने है बच्चे अमन कपूर ऋतिक रितिका श्रीवास्तव रोहन ठीक है सभी का जवाब बहुत शानदार है फर्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन वॉट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन बच्चे बीटी टॉक्सिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है ठीक है अब देखो मैं ऐसे सभी का आंसर आ गया कि एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं बीटी टॉक्सिन में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन गलत क्यों है देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर पढ़ू बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन ठीक है बच्चे देखो बैसिलस बैसिलस की बात कर करें बैसिलस बैसिलस थुरिंग जेनेसिस थ्रेनेसिस बैसिलस थुरिंग जेनेसिस बैक्टीरिया का नाम है सॉइल बैक्टेरिया में क्लियर बात एंड इस बैक्टीरिया में इस बैक्टीरिया में ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है ये ब, ये ब, ये जो टॉक्सिन है यह एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है यह प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है प्रोटॉक्सिन मतलब जैसे इंजाइम होते हैं प्रो हॉर्मोन इंजाइम होते हैं प्रो इंजाइम के फॉर्म में हॉर्मोन होते हैं प्रो हॉर्मोन्स के फॉर्म में मतलब उसी प्रकार टॉक्सिन भी जो है वो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है और यह प्रोटॉक्सिन फॉर्म यह प्रोटोक्सिन फॉर्म इंसेक्ट के गट मिडगट में जाकर अल्टीमेटली वहां के इंटेस्टाइन में जाकर अल्टीमेटली क्या होगा एक्टिवेट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ

देखो दे बात दो पॉइंट है एक हम कहते हैं टारगेट प्लांट और एक हम कहते हैं टारगेट इंसेक्ट इंसेक्टा टारगेट प्लांट का मतलब क्या है टारगेट प्लांट एक वो प्लांट है जो बेसिकली जिससे हमें हमें जिसे रेजिस्टेंट बनाने हैं और टारगेट इंसेक्ट वो इंसेक्ट है जिसके अगेंस्ट बनाने ठीक है ठेके? तो टारगेट प्लांट एंड टारगेट इंसेक्ट आपको बताना चाहिए कौन किसे कह रहे हैं ठीक है टारगेट प्लांट वो प्लांट जिसको रेजिस्टेंट बनाने हैं और टारगेट इंसेक्ट वो इंसेक्ट है जिसके अगेंस्ट में बनाने ठीक है तो ये जो प्रोटॉक्सिन है ये जो ये जो प्रोटॉक्सिन है जो एंटीटॉक्सिन है ये एंटीटॉक्सिन जो, जो है ये बैसिलस में नहीं होता ठीक है ये बैसिलस में नहीं होता प्रोटॉक्सिन फॉर्म फॉर्म या टॉक्सिन ये, ये इंसेक्ट में होता है ये बैसिलस में बैसिलस में नहीं होता के पास इसके रिस्पांसिबल जीन होता है ठीक है भाई यस सो द फोर्थ ऑप्शन इज द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन व्हिच इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ द इंसेक्ट ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू एलकलाइन पी एच ऑफ द गट ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट देखो ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट एंड बीटी कॉटन जब आप पढ़ते हो बीटी कॉटन जिस टॉपिक जिस टॉपिक में आपके एनसियाटेमेशन है ठीक है एनसियाटेमेशन है

सो नेक्स्ट एलक्लाइन पीएच से एक्टिवेट होगा रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है हो हो अब देखो जो क्राइजी है इंसेट ग्रुप स्पेसिफिक हो कैसा होता है इंसेट ग्रुप ऐसा नहीं है कि एक क्राइजीन ऐसा नहीं कि एक क्राइजीन सभी टाइप के सभी टाइप के इंसेट को डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठीक है मतलब एक जीन जो होगा एक जीन जो होगा वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेट के अगेंस्ट में ही काम कर सकता है जैसा आपने नाम सुना है क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकेंड बी क्राई फर्स्ट ए बी ये सारे नाम है ठीक है और ये सारी बातें में लिखा हुआ है और अगर मैं बीटी कॉटन टॉपिक की बात करूं तो बच्चे इस टॉपिक से ऐसा कोई लाइन नहीं है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन इससे पहले नहीं बनाओ ठीक है एच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर एच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर बात और कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉमा फुल स्टॉप के अलावा सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब सभी पोर्शन से क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बायोटेक है लेकिन ये बायोटेक एप्लीकेशन नहीं है प्रोसेस का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंटिक सिक्वेंस पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस का मतलब क्या है

कोलाई का ई ठीक है कोलाई का सीओ आर वाई थर्टीन का इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन फर्स्ट इंजाइन होता है इसलिए हम इको आर वन क्या कहते हैं इको आरवन अब इको e की जो रेजिस्ट्रेशन साइट होती है वो है जी ए ए टी द टाइप ऑफ कट द टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड ऑब्लिक कट

ठीक है भैया और देखो इको आरोन जो है वो बिटवीन जी एन ए बिटवीन जी एन ए बिटवीन जी एन ए बिटवीन जी एन ए कट करता है ठीक है एंड जी एन एक्ट कट करने के बाद इसके बाद जो सीक्वेंस देखो जी एन सी ए आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा जी एनसी जी एन सी ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है लेकिन ये जो ए ए टी टी है ए ए टी टी ठीक है इस ए ए टी टी सीक्वेंस जो नॉर्मली कट होने के बाद ऑब्लिक कट होने के बाद ये सिंगल स्टैंड फॉर्म में होगा इस सीक्वेंस, ए टी टी को कहते क्या कहते overhanging sequence. Overhanging sequence नाम से हम इसको जानते हैं ठीक है सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्टैंड सीक्वेंस द टाइप ऑफ एंड इज कोहेसिव और कट इज कॉल्ड ऑब्लिक क्या कहते हैं ऑब्लिक कट है oblique तो देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें हैं और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी बातें आपके लिए जरूरी है जितनी बातें बाते आपके लिए अर्जेंट है उन सभी बातों को भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ठीक है चलिए हां जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है

पेयर ऑफ होमोलोग तीसरी बात तीसरी बातिस कब होता है इट अकर्स ड्यूरिंग इट अकर्स ड्यूरिंग ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन ठीक है इट अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन ठीक है एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेनाप्सिस होता है ठीक है एंड होने जब होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। That complex is called complex. क्या हो, ठीक ये बात अब देखिए यहां होमोलोगस क्रोमोसोम अगर सिंगल क्रोमोसोम की बात हो दिस पेयर ऑफ इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है ये होमोलोगस क्रोमोजोम है ठीक है ये है सिंगल क्रोमेटिड कंडीशन लेकिन अगर मैं अगर मैं जीटू स्टेज ऑनवर्ड्स की बात करूं जी टू स्टेज ऑनवर्ड्स की बात करू दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ होमोलोगस लेकिन यहां पे ये होमोलोगस पर कंटेन डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम कैसा है डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम सो दिस इज सिंगल क्रोमेटिड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज डबल क्रोमेटिड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है यहां पे एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है बस इसलिए हम कहते हैं सिंगल क्रोमाटेड क्रोमोजम इस हम कहते हैं डबल क्रोमाटेड क्रोमोजो दिस इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रमोजुम एंड दिस इज आल्सो होमोलोगस पेयर ऑफ अब देखो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रमोजम कब कहते हैं एक पेयर ऑफ क्रोमोजम को होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजम तब कहते हैं जब उनकी शेप साइज स्ट्रक्चर कैसा हो सेम हो एंड शेप साइज स्ट्रक्चर सेम होने के साथ साथ सेम नंबर ऑफ जीन भी हो एंड सेम नंबर ऑफ जीन होने के साथ साथ सेम सीक्वेंस ऑफ जीन भी हो मिलाकर दो क्रोमोजोम को या फिर पेयर ऑफ क्रोमोजोम को क्रोमोज़ोम तब कहते हैं तीन बातें सेटिस्फाई होना चाहिए पहली बात शेप साइज स्ट्रक्चर सेम सेकेंड पॉइंट द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दैट क्रोमोजोम सेम एंड थर्ड पॉइंट द सीक्वेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन दैट क्रोमोजोम आर सेम ठीक है सो होम्योलोग का डेफिनेशन होने के लिए तीन पॉइंट की मैंने आपसे बात करी है क्लियर बात चलिए स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर साइज एज वेल एज नंबर ऑफ जीन्स एंड सीक्वेंस ऑफ जीन ऑल एवरीथिंग शुड बी सेम

पल्यूटेड वाटर में अगर देखा जाए तो पॉल्यूटेड वाटर में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होगी पॉलिटेड वाटर में सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चे किसकी होगी ई कोलाई की होगी किसकी होगी ई कोलाई ई कोलाई ठीक है अब देखो ई कोलाई को ई कोलाई एक तरह का कालीफॉर्म बैक्टीरिया कैसा है कॉलीफॉर्म कोलाई इज अ टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ई कोलाई इज अ टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बच्चे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होता है वो नॉर्मली फीकल मैटर में फीकल मैटर फीकल मैटर समझते हो फीकल मैटर जो हमारा एक्सक्रीट जो ह्यूमन बीइंग और वेरियस एनिमल्स के प्रोडक्ट है ठीक है उसको हम फीकल मैटर कहते हैं एंड फीकल मैटर में सबसे ज्यादा होता है ई कोलाई एसरेचिया कोलाई ठीक है और यही नॉर्मल जो फीकल मैटर कंटेनिंग वाटर है इसी को हम कहते हैं पोल्यूटेड वाटर तो पोल्यूटेड वाटर की सबसे पहली पहचान है प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ

बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है देखो क्वेश्चन विजिबल है देखिए बच्चे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चे क्वेश्चन इज कि डीएनए स्टैंड जो है इन सबके लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है एक्सेप्ट डीएनए स्टैंड किसके लिए टेम्पलेट की तरह किसके लिए टेम्पलेट की तरह काम नहीं करता किसके लिए टेम्पलेट की, की तरह काम नहीं करता देखो जो डीएनए जो है डीएनए के पास ऑटो कैटेरिक फंक्शन भी है डीएनए से डीएनए बनना भी पॉसिबल है डीएनए से डीएनए बनना इस कॉल डीएनए रेप्लीकेशन क्या कहते हैं डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए जो है वो डीएनए फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है नेक्स्ट डीएनए जो है वो वेरियस टाइप ऑफ आर एन वेरियस टाइप ऑफ आर मतलब वो चाहे आर आर एम आर ने हो चाहे टी आर हो चाहे एस एन आर ने चाहे एस सी आर ने हो ठीक है सभी तरह के आर ए आर आर ए

डीएनए से डायरेक्टली जब डीएनए से डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन का फॉम्शन डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन कभी नहीं होता डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता ठीक है प्रोटीन का फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है एमआरएनए से प्रोटीन का फॉम्क्शन डायरेक्टली होता है एमआरएनए से और इनडायरेक्टली होता है डीएनए से सो द ट्रांसलेशन मुझे ट्रांसलेशन प्रोसेस में

प्रोटीन फॉर्मेशन के स्टेप्स को हम कहते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेन ट्रांसलेन आर टेट यहां पर फॉर्म में एम आर एक्ट करता है डीएनए एक्ट नहीं करता ठीक है थेके? तो प्रोटीन फॉर्मेशन में डीएनए इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है क्लियर बात चलिए तो एक तो वीडियोस को को बच्चे वीडियो लाइक करें ठीक है एंड वीडियो को आप जितने भी आ, सोशल साइट आप यूज करते चाहे व्हाट्सएप हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो बच्चे इन सभी जगह पे आप वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों से से शेयर शेयर करें करें बच्चे उन बच्चों जिनको जिन जिन तक जिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें नहीं पहुंच पा रही है उन तक भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए एंड सभी बच्चों को आपकी तरह बेनिफिट हो सके बात आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ बायोटेनोलॉजी ठीक है बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन आपके एनसीआरटी में नॉर्मली नहीं है ठीक है तो मॉक टेस्ट में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली एनसीआरटी में दिया हुआ नहीं है ठीक है भाई अब देखिए लिखा है बेसिकली का क्वेश्चन है और कई बार इसको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी कह सकते बिकॉज तो uh, बायोटेक के मदद से माइक्रोब्स भी एक तरह का ओल्ड बायोटेक है ठीक है जैसे कर्ड फॉर्मेशन दूध से दही बनना दूध से दही बनना एक तरह का ओल्ड बायोटेक है ठीक है देखो बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी

ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर बात और इसके बारे में खास बात है थर्टी क्वेश्चन में खास है कि गोशपी एक तरह का फिलामेंटस फंगस है क्या है फिलामेंटस फंगस ये एक तरह का फिलामेंटस फंगस है ठीक है फिलामेंटस फंगस है इस फंगस के यूज से हमने वाइटामिन बी टू वाइटामिन बी टू प्रोडक्शन ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स इनहस कर चुके हैं थाउजेंड इनहांस कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इसमें खास बात जो आपको पता होना चाहिए इट इज ऑल्सो यूज इन एन ऐसे प्रोसीजर फॉर तो बी टू के साथ वाइटामिन बी टू के साथ साथ वाइटामिन बी टू के साथ साथ बी सेवन जिसको नॉर्मली कहते हैं वाइटमिन वाइटमिन एच या फिर बार कहते हैं बायोटिन इसके ऐसे प्रोसीजर में भी एस्बागोसिपी

ठीक है वो नाइट्रेट जो कि फिक्स होने के बाद बना है ठीक है तो फिक्स नाइट्रेट नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स हो चुका है उसको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है ठीक नौम है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस डी नाइट्रीफिकेशन एंड इस प्रोसेस में यूज होने वाले ऑर्गेजम्स को नॉर्मली स्पीशीज कहते हैं डी नाइट्रोफिकेन्स डी नाइट्रोफिक्स तो कुल मिलाकर देखा जाए कुल मिलाकर देखा जाए तो स्यूडोमोनास डी नाइट्रोफिकेन्स ठीक है थियोबेसिलस डीफिकेंस क्लियर बात चलिए

जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स है प्रोपीन बैक्टीरियम शर्मा चीज में चीज में लार्ज साइज पोर होता है लार्ज लार्ज साइज साइज होता है है एंड का का बनने का रीजन कि लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ जो है वो क्या होगा इवॉल्व होता है रिलीज होता है क्लियर बात तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो ई है यहां पे पॉल्यूशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंडिकेटर है दैट टू वॉटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है स्पेशली

बताइए जल्दी आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताए देखो चो इसमें कार्बन साइकिल में अगर मैं बैक्टीरिया के रोल की बात करूं तो बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होता है बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होता है ठीक है तो कार्बन साइकिल जो आप पढ़ते भी हो कार्बन साइकिल अपनी इकोलॉजी बढ़ाऊंगा कार्बन साइकिल में, में बैक्टीरिया का रोल कार्बन साइकिल में बैक्टरिया का रोल होता है एज ए डिकम्पोजर तो नॉर्मली आपको पता है डिकम्पोजर के फॉर्म में बैक्टीरिया एंड फंगस ही काम करते हैं ठीक है एंड कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजर की तरह काम करता है एंड दैट टू डिकम्पोजर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड

ठीक है तो एक तरह से एक तरह से हाइड्रोफोलिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए उस बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना जरूरी है ठीक है क्लियर बात पीआरएम सो वी मेक ऑर्गेनिज्म कॉम्पिटेंट बिकॉज द रिकॉम्रिट डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर

इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है इफेक्ट कलर ब्लाइंड वुमेन कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर जल्दी बताइए कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करूं कलर है कलर डिसऑर्डर है ठीक है कैसा है लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्लियर बात अब रिसेसिव डिसऑर्डर केस में वुमेन को उसने अफेक्टेड बोला है कैसा होगा एक्स सी वुमेन मस्ट बी सी अफेक्टेड

मतलब कैरियर नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता कैरियर नहीं हो सकता सो so, मेल अगर नॉर्मल रहा है तो बच्चे मेल नॉर्मल ही होगा मेल नॉर्मल मतलब मेल नॉर्मल ही होगा और ये एक बार ध्यान रखना कि के के लिए, बच्चे, disorder के लिए बच्चे मदर इज अफेक्टेड ऑल द मेल द मेल प्रोजेनी वुड बी अफेक्टेड अब देखो हमें पता है कि इससे बनने वाला जो सन होगा इससे बनने वाला जो सन होगा बेटा होगा

के 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 लिए एक्स के लिए एक्स लिए हमेशा अफेक्टेड ही होगा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल कलर ब्लाइंड ठीक है तो जितने भी सन होंगे इस इस कपल के सारे के सारे क्या होंगे अफेक्टेड होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज बीन ब्रॉथ टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ठीक है देखो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप क्रॉप मतलब फसल हैज टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड से लाया गया क्रॉप बच्चे न्यू वर्ल्ड से इंडिया में लाया गया क्रॉप हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप क्या कहते हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप एक फ्रेज बच्चे न्यू वर्ल्ड क्रॉप न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स न्यू वर्ल्ड क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं इनकी ओरिजिन है इनकी जो ओरिजिन है या फिर इनकी जो ओरिजिन कंडीशन है वो कहां पे वो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नॉर्मली इस तरह के न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप हम नॉर्मली पढ़ते नहीं है ठीक है तो एक ऐसे क्रॉप जिनका ओरिजिन पॉइंट है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ठीक है अरे एक ऐसा क्रॉप जो 1492 फोर्टीन 1492 टू मतलब मतलब चौदह सो बानवे साल ठीक इसके है पहले, इसके पहले केवल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ही पाई जाती थी वर्ल्ड के और किसी कॉर्नर में पाई नहीं जाती थी तो एक ऐसा क्रॉप जो केवल केवल जो जिसकी ओरिजिन पॉइंट है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका पहली बात दूसरी बात जो केवल केवल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ही पाई जाती थी टिल वन फोर नाइन टू टिल वन फोर नाइन टू इसके बाद यह वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर में पहुंच गई ठीक है एंड इसका अगर आंसर दिखा जाए इसका अगर आंसर दिखा तो आंसर क्या होगा कैशोनट पोटैटो एंड रबर कैशोनट पोटैटो एंड रबर आर न्यू वर्ल्ड क्रॉप ये क्या होगा न्यू वर्ल्ड क्रॉप होगा क्लियर बात नेक्स्ट क्वेश्चन हांचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन

जो कि करता है है ठीक अपने friends से जरूर डाउनलोड करें एंड e अपने दोस्तों से भी जरूर करवाएं एंड लेक्चर को जितना पॉसिबल उतना शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये लेक्चर और ये बेनिफिट जो आपको मिल रहा है ये पहुंच सके ठीक है भाई चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम होते हैं जो कट ए स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए मल्ल सही बात है बिल्कुल सही बात है ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बच्चे ये हमेशा डीएनए के स्पेसिफिक साइट डीएनए के स्पेसिफिक साइट को ही कट करता है और डीएनए के स्पेसिफिक साइट को हम कहते हैं बच्चे क्या, है? क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट क्या कहते हैं बच्चे तो स्पेसिफिक साइट जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस स्पेसिफिक साइट के कई सारे नाम है एंड द मोस्ट कॉमन नेम इज रेस्ट्रिक्शन साइट क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट रेस्ट्रिक्शन साइट साइट के अलावा इस को रिक्निशन साइट क्लीविंग साइट बाइंडिंग साइट मतलब कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एन है एंड ट्रैवल करते वहां जाके पहचानेगा ठीक है वहां जाके काटेगा जहां पे इसकी खुद की साइट है एंड इस साइट को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट क्लीविंग साइट बाइंडिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट क्लियर बात ठीक है तो देखो बात है इंजाइम्स की अगर बात करो तो न्यूक्लियस इंजाइम न्यूक्लियस इंजाइम में राइबोन्यूक्लियस इंजाइम भी होगा ठीक है और आपका डी ऑक्सी राइबोन्यूक्म भी होगा राइबो न्यूक्लियंजाइम मतलब जो कि आरएनए के स्थान को कट कर, करता है डी ऑक्सी न्यूक्लियस का मतलब है जो कि डीएनए के स्थान को कट करता है और न्यूक्लियन इंजाइम भी

डीएनए सीक्वेंस कैसे होते हैं ये कैसे होंगे जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये आपको है ठीक हाँ है भाई क्लियर है चलिए हाउच नेक्स्ट हाउच देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इट कम्स अंडर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जहां पर हम बात करते हैं आपका क्रोमोसोम के बारे में बच्चे क्रोमोसोम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोम में जो प्राइमरी होती है उस प्राइमरी को हम कहते हैं सेंट्रोमियर क्या कहते हैं सेंट्रोमियर 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 एंड पर पर जो डिस्क शेप प्रोटीन है सेंट्रोमियर के ऊपर सेंट्रोमियर के दोनों साइड में जो डिस्क शेप प्रोटीन होता है दैट प्रोटीन डिस्क आर नोन एज काइनेटोकोर क्या कहते हैं काइनेटोकोर सो द साइट ऑफ अटैचमेंट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ठीक है तो इतने से ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाना चाहिए ठीक है सो द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिडल फाइबर स्पिंडल फाइबर का जो साइट ऑफ अटैचमेंट है इसे हम कहते हैं कईनेटोकोर कैनेटोकोर

ऐसे स्पिंडल फाइबर नॉर्मली क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पर उपस्थित प्रोटीन डिस्क कोर से जुड़ते हैं ठीक है एट दिस ऑन द साइड्स ऑफ सेंटोबेर ठीक है चलिए अमन अमन वर्मा अमन कपूर चलिए देखिए नेक्स्ट इज बायोगैस कंटेंट मतलब बायोगैस के कंपोजिशन की बात करें एनसीआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और एनसीआरटी में ही ये मेंशन है डायरेक्टली और बायोगैस प्रोडक्शन ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन इस इनफेयर मेंसेंट सीओ टू होगा एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है ठीक है हाइड्रोजन वगैरह भी होगी ठीक है तो बायोगैस का पूरा का पूरा कंपोज बायोगैस मेनली कंपोज ऑफ मिथेन बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली क्या होता है इस बायोगैस प्रोडक्शन जो होगा नॉर्मली आर्की बैक्टीरिया टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस के कुछ एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल मिथेनोकॉकस ह्यूमेनोकॉकस मिथेनो माइक्रोबियम तो मिथेनोकॉकस मिथेनो माइक्रोबियम मिथेनो बैक्ट्रियम

नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग दिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज वाइडली इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन के लिए कौन सा यूज होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ठीक है अब देखो यहां पे जो है बेसिकली उसने ऑर्गेजम मतलब प्लांट ऑर्गेज मेंशन है प्लांट ऑर्गेजम के नाम लिखा हुआ है जैसे पाइनस पाइनस स्पीसीस जिम्नोस्पम पाइनस जिम्नोस्पम ठीक है नेक्स्ट

वॉट टाइप ऑफ एंडोस्पम इज लिक्विड एंडोस्पम ऑफ कोकोनट ठीक है तो लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट इज बेसिकली न्यूक्लियर एंडोस्टो कैसा है न्यूक्लियर एंडोस्पम न्यूक्लियर एंडोस्टो वाइल द क्रीम पार्ट इज कॉल्ड सेल्यलर एंडोस्टोम आपको पता होगा विच इज द एडिबल पार्ट सो लिक्विड पार्ट एंड दट क्रीम पार्ट बोथ आर एडिबल पार्ट इन केस ऑफ कोकोनट ठीक है एंड ये लिक्विड एंडोस्पम न्यूक्लियर एंडोस्पम का एग्जांपल एक्साम्पल क्रीम पार्ट जो है वो बेसिकली आपका फ्लैशी एक तरह से सेलो का एग्जांपल है अब देखो लिक्विड एंडोस्पम साइटोकाइनिन ठीक है साइटोकाइनिन जो साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड दिस इज द हार्मोन दिस इज द फाइटो हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिविजन सेल डिविजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल डिविजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इन प्लांट टिश्यू कल्चर ठीक है तो प्लांट कल्चर में दो हार्मोन सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है दो हार्मोन सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है प्लांट एश्यूकल में प्लांट के शूट एपेक्स प्लांट के शूट पार्ट को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए साइटोकानीन एंड प्लांट के रूट पार्ट को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजीन तो ऑक्सीजीन एंड साइटोकाइन का एक रेशियो नॉर्मली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है जैसे मान लीजिए इफ द बिटवीन इफ द रेशियो बिटवीन एंड इफ द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजी एंड साइटोकाइन इज मोर इन दैट केस बी इनिशिएशन ऑफ रूट देर विनिशियेशन क्या होगा रूट इनिशियट होगा इफ द कंसेंट्रेशन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन बाई साइट द रेश ऑफ ऑक्सीजी बाई साइटोकिन इज लेस इन दैट केस शूट इनिशियशन ठीक है तो ऑक्सीजी एंड साइटोकिन दोनों का रोल होता है सेल डिविजन एज वेल एज ऑर्गेनोजेसिस और मोर्फोजेनेसिस ठीक है तो बाकी इन दोनों हॉर्मोन को नॉर्मली यूज करते हैं तो कुल मैके क्वेश्चन में टिश्यू कल्चर मीडियम में, में टिश्यू कल्चर मीडियम में, 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 में साइटोकाल फॉर्म में, में नारियल यूज होगा विच इज नोन एज कॉकसूफर वोटिकल नेमनली नोन एज कोकोनट ठीक है सारी बातें आपको बताना चाहिए तो एक इंडायरेक्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हैमरलिंग ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है नॉर्मली हम बहुत, uh, बहुत देखो देखो धीरेश कुमार देखो चो हैलिंग्स का जो एक्सप्रीमेंट है जो एक्सपेरिमेंट है ठीक है और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था था पर किस पर एसिटा बुलरिया एसिटाबुलेरिया जो है वह एक तरह का ग्रीन एल्गी बच्चा क्या है ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी मतलब मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा ठीक है बात एंड इस एसिटाबुलेरिया को हम कहते हैं बच्चा अम्ब्रेला प्लांट क्या कहते हैं अम्ब्रेला प्लांट अम्ब्रेला प्लांट एंड इट इज आल्सो नोन एज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइसोलेटेड लार्जेस्ट आइसोलेटेड प्लांट सेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड प्लांट सेल नोन एज एसिटाबुलेरिया तो हेमरलिंग जो साइंटिस्ट जे हेमरलिंग साइंटिस्ट का नाम था इन्होंने पे काम किया एसिटा जो भी बात है मैंने लिख दिया इनवॉल्व द एक्सचेंजी ऑफ राइजॉइड एंड स्टॉक नॉर्मली होता क्या है एसिटिबुलेरिया के दो स्पीसी ठीक है एसिटाबुलरिया वन स्पीसी ऑफ एसिटाबुलरिया and this is another you have a second species of second species of acetabularia ठीक है इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ठीक है इसका स्टॉक बेसिकली तीन पार्ट होते हैं ठीक है अगर मैं एसेटा की बात करूं तो एसेट ऑफ का जो सेल होगा ठीक है इस सेल के तीन पार्ट होते हैं वन इज राइजॉइड क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है एनसेट ऑफर नहीं है सेकेंड इज स्टॉक एंड थर्ड वन इज कैप तीन पार्ट इनके सेल में पाया जाता है राइजॉइड स्टॉक एंड कैप ठीक है अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि इसका राइजॉइड राइजॉइड इज द पार्ट राइजॉइड में होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस ठीक है इसका राइजॉइड जो है ठीक है ये ट्रांसफर होता है स्टॉक में ठीक है तो यहां पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लिखा है जे एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूक्लियस एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम राइजॉइड एंड स्टॉक फ्रॉम राइजॉइड ऑन स्टॉक फ्रॉम वन स्पीसीज टू स्पीसीज नेम ऑफ जीनसिज दो अलग स्पीस तो का राइजॉइड का न्यूक्लियस दूसरे स्पीस के स्टॉक में एक्सचेंज होता है ठीक है एक्सचेंज तो होगा न्यूक्लियस का नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा डाइवर्सिटी जो होता है अल्फा डाइवर्सिटी बात अल्फा डाइवर्सिटी तो अल्फा डायवर्सिटी is a टाइप type which प्रेजेंट बिटवीन between which प्रेजेंट present within प्रेजेंट within community कम्युनिटी जो कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होता जो कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होता है जबकि अगर मैं बिटवीन कम्युनिटी की बात करूं या फिर रेंज ऑफ कम्युनिटी की बात करूं तो इन दोनों के लिए इन दोनों के लिए होगा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी सो so, बीटा एंड गामा डायवर्सिटी बीटा एंड गामा डायवर्सिटी डील्स विद बिटवीन कम्युनिटी कम्युनिटी, एंड ऑफ़ बट इफ़ वी टॉक अबाउट अल्फा डायवर्सिटी क्वेश्चन बेसिकली सिलेबस से बाहर है द कम्युनिटी अल्फा डाइवर्सिटी एक्ट करता है थेके? तो बायोडाइवर्सिटी अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा एंड गामा ठीक है तो अल्फा विद इन विद इन कम्युनिटी, एंड एंड गामा इज कम्युनिटी एंड रेंजेस ऑफ कम्युनिटी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रन थम्बो रन थम्बोर नेशनल पार्क रन थम्बोर नेशनल पार्क एक तो पहली बात है कि नेशनल पार्क की अगर बात करें नेशनल नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क तो जो होता है वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन का है। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल मतलब यहां पे प्लांट और एनिमल यहां पे प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसको प्रिजर्व करते हैं ठीक है ये बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क ठीक है और इसमें अगर रणथंबोर नेशनल पार्क की बात की जाए रणथंबो नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड नियर सवाई माधोपुर इट इज लोकेटेड नियर सवाई माधोपुर ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट राजस्थान ऑफ स्टेट राजस्थान तो राजस्थान स्टेट में सवाई माधोपुर एक प्लेस uh, है सिटी है वहां पे लोकेटेड है रणथंबोर नेशनल पार्क सो इट इज लोकेटेड नियर राजस्थान ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल इंस्टेड ऑफ सीड ठीक है देखो सीड से नए जनरेशन सीड से नया जनरेशन को फॉर्म करना दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है तो जब भी जब भी सीड से जब भी सीड से न्यू जनरेशन जनरेट होता न्यू जनरेशन दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है लेकिन जब किसी सेल से जब किसी सेल से एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता हो ठीक है एक सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता हो इसे हम कहते 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 हैं 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 एक तरह से इसे इसे हम कहते हैं, हम हम एंड में भी बात करते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की ठीक है देखो व्हेन अ सेल इज कैपेबल टू जनरेट द होल प्लांट इंस्टेड ऑफ सीड इट इज इट इज नोन एज सेलर टोटिपोटेंसी एंड दिस टोटिपोटेंसी इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट ये जो है प्लांट के केस में पाया जाता है ठीक है एनिमल के केस में एक सिंगल सेल से एक सिंगल सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है लेकिन इन केस ऑफ इन केस ऑफ एनिमल एक सेल से एक सेल से ऑर्गन एक सेल से एक ऑर्गन बना पॉसिबल है दिस इज कॉल्ड प्ल्यूरी पोटेंसी क्या कहते हैं प्लूरी पोटेंसी ठीक है तो एक प्लांट सेल के केस में प्लांट सेल के केस में एक सेल से ऑर्गेनिज्म बन सकता है ठीक है या फिर प्लांट प्लांटलेट बन सकता है इट इज नोन एज सेलर टोटिपोटेंसी एंड एनिमल केस में मैक्सिमम एक ऑर्गन बन सकता है नोन एज प्लूरिपोटेंसी ठीक है अब दिस सेलर टोटिपोटेंसी प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन बच्चा प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन सेलर टोटिपोर्टेंसी जहां पर सिंगल सेल एक्सप्लांट के फॉर्म में यूज करके एक सिंगल सेल एक्सप्लांट केस फॉर्म में यूज करके अल्टीमेटली हम इंटायर प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है एंड टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन सो प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन माइक्रो प्रोपेगेशन ठीक है क्लियर बात माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए कहते बच्चे, देखो प्रोपेगेशन तो का मतलब है कि एक प्लांट से हजारों लाखों प्लांट एक प्लांट से हजारों लाखों प्लांट एंड माइक्रो से माइक्रो का मतलब है एक प्लांट से हजारों छोटे छोटे प्लांट्स सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ इज अ मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कि हु राइबोसोम इन एनिमल सेल से राइबोसोम की डिस्कवरी राइबोसोम को हम कई बार आपने पढ़ा भी होगा राइबोसोम इज नोन एज पैलेड पार्टिकल इसे कई बार पैलेड पार्टिकल भी कहते तो हैं कि पैलेट इज द नेम ऑफ डिस्कवरर ठीक है पैलेट पार्टिकल कहने का लॉजिक यह है कि राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई

अगर मैं इंडियन सॉइल की बात मेजर ऑफ द सॉइल इज डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एन पी के ठीक है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम ठीक है इन तीनों की इन तीनों से डेफिशिएंट होता है है हमारी ठीक एंड इसमें नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए जो फर्टिलाइजर अवेलेबल है वह है यूरिया पोटैश सेपरेट एंड फॉस्फेट डीएपी वगैरह कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर है ठीक है तो यूरिया इज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डी ए पी इज सोर्स ऑफ फॉस्फरस एंड पोटेश सोर्स ऑफ पोटेशियम ऐसे कई सारे फर्टीलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर अवेलेबल होते हैं ठीक है ठीके? तो फॉस्फेट जो आपका एक तरह से फॉस्फेट पोल्यूशन ठीक है फॉस्फेट की जो पोल्यूशन होती है दो चीजों से होती है एक तो सीवेज से सीवेज मतलब हाउस होल्ड सीवेज मतलब हाउस होल्ड वेस्ट वॉटर हाउस होल्ड वेस्ट वॉटर को हम कहते हैं सीवेज ठीक है तो हाउस होल्ड वेस्ट वॉटर इसमें भी फास्फेट होता है एंड इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में जैसे मैंने आपसे कहा डीएपी, क्लियर बात? ए पी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन क्लासिकल जेनेटिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिकल जेनेटिक्स क्वेश्चन इज देखो द ड्रोसोफिला

ठीक है तो सारे के सारे मिल रहे हैं ग्रेट टाइप मतलब कैपिटल जी स्मॉल जी मिल रहा होगा दैट मीन स्ट्रेन ए स्ट्रेन कैपिटल जी कैपिटल जी नेक्स्ट स्ट्रेन टू स्ट्रेन टू का क्रॉस जो है स्मॉल जी स्मॉल जी हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो क्रॉस है कैसा है टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट डॉमिन फिफ्टी परसेंट पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट स्ट्रेन थ्री स्मॉल जी स्मॉल जी ऑल इबोनी का मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेन थ्री कैसा है स्मॉल जी स्मॉल जी एंड फोर्थ मेंशन है कि स्ट्रेन इंटू कैपिटल स्मॉल ग्रे एंड इबोनी मिल रहा है इन द रेशियो ऑफ रेशन तो कहीं ना कहीं एक तरह से कैसा होगा सिमटिंग होगा कैसा होगा सिमेटिंग स्मॉल जी क्रॉस तो क्रॉस कैसा होगा कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी ठीक है क्योंकि ऐसा मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग से मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग से ही क्योंकि सेल्फिंग टर्म यूज नहीं कर सकते सेल्फिंग टाइम यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग से थ्री फिनोटी रेशियो हो सकता है कुल मिलाकर देखा जाए तो सेकंड एंड फोर्थ सेकेंड एंड फोर्थ एक ऐसा क्रॉस है सेकेंड एंड फोर्थ ऐसा क्रॉस है जहां पे जहां पे स्ट्रेन टू स्ट्रेन फोर में जीरो टाइप हो सकता है कैपिटल जी स्मॉल जी सो द आंसर इज फोर्थ ठीक है फोर्थ आंसर टू एंड फोर्थ आर दो क्रॉस वे द स्ट्रेन टू एंड फोर Can have genotype, g, and small g. एक केस में मोनोहाब्रिट टेस्ट क्रॉस और एक केस, है, है, है. और केस में मोनोहाब्रिट सेल्फिंग ठीक है नेक्स्ट इज ने बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पन बाई हार्वीव हार्वीव मतलब क्या है हार्वीव का मतलब प्राइमरी

इसे हम कहते हैं नेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब आंसर होगा ए इकोलॉजी क्वेश्चन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इट इज बेस्ड पे डिपेंड करता है द रेट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर माइनस द रेट ऑफ रेस्परेशन द रेट ऑफ रेस्परेशन मतलब रेस्परेशन लॉस ठीक है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्व टू द रेट ऑफ फोटोस इन दिस बाई प्राइमरी प्रोड्यूसर माइनस द रेट ऑफ रेस्परेशन लॉस ठीक है अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में द आंसर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि अवेलेबल होता है फॉर कंजम्शन फॉर हार्विबोस एंड हार्विबोस आर टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोड्यूसर यह सेकेंडरी प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है ठीक है चलिए तो आंसर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट इज बायो बायो पायरेसी पायरेसी इज पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर जहां पे आपको कई सारे टर्म्स मिल जाएगा जैसे बायो पायरेसी बायो पेटेंट ठीक है बायो पायरेसी मतलब क्या पायरेसी मतलब होता चोरी पायरेसी मतलब चोरी होती है बायो पायरेसी का, मतलब का मतलब क्या है बायरस पायरेसी का मतलब बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट एंड बायोजिकल रिसोर्स बायोलॉजिकल सर्विस की चोरी ठीक है तो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बॉयोजिकल ऑब्जेक्ट की चोरी को हम कहते हैं बायोपायरेसी तो बायो एक ऐसा एक ऐसा मैकेनिज्म है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी एक एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी या फिर एक पूरी पूरी कंट्री ठीक है किसी दूसरे कंट्री का किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे इंडिविजुअल के जो भी पेटेंट होते हैं उनको विदाउट प्रॉपर ऑथोराशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराशन और विदाउट प्रॉपर प्रॉपर सेट्री पेमेंट अगर उसका एक्सप्लोटेशन होता है दिस इज नोन एस बायोपेरे ये तरह का बायोपेरे सो बायोपैरेसी मीन यूज ऑफ़ नो। थेफ्ट ऑफ प्लांट एनिमल नो स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेस ठीक है नो एक्सप्लोटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस विदाउट ऑथेंटिक परमिशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड प्रॉपर कंपेंसेटरी पेमेंट विदाउट प्रॉपर कंपेंसेटरी पेमेंट टू द टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री कंसर्न कंट्री कंसर्न कुल में देखा जाए ठीक है किसी कंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल के प्रॉपर कंपेंसेटरी अगर आप किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूज करते हो दिस इज नोन एज बायो पायरेसी क्या कहते हैं so, बायो पायरेसी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बेसिकली बायो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पर बेस्ड है ठीक है ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है खुराना बच्चे खुराना आप जानते हो हरगोबिंद सिंह खुराना ठीक है पंजाबी साइंटिस्ट है एच जी खुराना हरगोबिंद सिंह खुराना को नोबेल प्राइज मिला था हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड फॉर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड ठीक है हरगोबिंद खुराना वो व्यक्ति थे और बेसिकली इनको नोबेल प्राइज शेयर करना पड़ा था फ्रॉम किसके दो साइंटिस्ट के पीछे मार्शल नायरनबर्ग मार्शल नायरनबर्ग एन एच जी खुराना मार्शल नायरनबर्ग एन एच जी खुराना इन दोनों ने प्राइज शेयर किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड क्या होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑन एपटाइट चेन तो जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन डीएनए और आरएनए सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑन

मार्शल मैरिनबर्ग ठीक है चलिए बच्चे हाँ चे। is, बच्चे नेक्स्ट इज बच्चे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चे गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बेसिकली नॉर्मली नाम इसको कहते हैं कंपैरेटिव एक्सक्लूजन गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूजन ये क्या स्टेट करता है बच्चे ये ये स्टेट करता है कि अगर देखो बच्चों अगर सेम लिमिटिंग सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज है जो सेम लिमिटिंग रिसोर्स मतलब देखिए दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज के लिए अगर उनके रिसोर्सेज लिमिटेड कर दी जाए ठीक है दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज के लिए अगर लिमिटिंग हो मतलब सेम रिसोर्स resource हो रिसोर्सेज अनलिमिटेड ना हो उस केस में दो स्पीसीज दो स्पीसीज जो है वो सेम नाइक सेम निके जो है वो इनडेफिनेटली ऑप्टेन नहीं करेंगे ठीक है निशात आलम हां बच्चे सही सही कहा आपने देखो चो, तो गॉस का कॉम्प्यूटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये स्टेट किया था कि बेसिकली नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई कोई भी दो स्पीसी जो है वो सेम निके निके मतलब हैबिटेट हैबिटेट फंक्शन ठीक है दो सेम निके और सेम हैबिटेट लंबे समय तक इनडेफिनेटली अचीव ऑक्यूपाई नहीं कर सकते अगर रिसोर्सिस लिमिटिंग है तो अगर रिसोर्सिस लिमिटिंग होगा तो ठीक है सो इस केस में द आंसर इज नो टू स्पीसी कैन ऑक्यूपाई द सेम निके विच ज कॉल फंक्शन हैबिटेट और इकोलॉजिकल एड्रेस इन फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन टिश्यू कल्चर इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रॉइड्स एम्ब्रॉइड्स जो एम्ब्रॉइड्स है ये एम्ब्रॉइड्स फॉर्म फ्रॉम पॉलिंग एम्ब्रॉइड फॉर्म फ्रॉम पॉलिंग

जी सिलेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और पॉलेटर चेन फ्रॉम एम आर ने टेम्पलेट फ्रॉम एम आर एन ए टेम्पलेट तो एम आर ने टेम्पलेटे एम आर ने टेम्पलेट पर एमआर टेम्पलेट पर प्रोटीन पलिटर चेन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट पढ़ते हैं व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर इनकाउंटर सिने एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन बिल्कुल सही बात है बच्चे दिस स्टेटमेंट इज 100% एब्सोल्यूटली ट्रू जो आपको पता होगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम एंड राइबोसोम कंटेन टू सब

से बाइंड करता है उसके बाद ही आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है बिकॉज हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में तीन स्टेप होगी इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन और इनिशियन होने के लिए इनिशियन होने के लिए दिस एमआर का इस एमआर का इस थर्टीस रेबोजो के साथ बाइंड करना जुड़ना बहुत जरूरी है क्या जानना बहुत जरूरी है क्लियर बात ठीक है सो प्रोटीन के लिए ठीक है व्हेन द स्मॉल दैट इज थर्टियस

ठीक है एंड प्रॉपर एक्सप्लेन आपको मिली होगी इसके साथ साथ आपके आगे के भी जो टेस्ट हैं उन टेस्ट के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें एंड टेस्ट सॉल्व करने के बाद फिर हम धीरे धीरे करते करते ऐसे एक एक करके करते हुए हम इस तरह सेशन रखेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे पूरे बॉटनी में एंड ज्यूलॉजी कंबाइंड पोर्शन में वो अपन डील करेंगे ठीक है तो चाहे अगर आपको समझ में आया होगा ये पूरा पूरा सेशन और सारे सारे क्वेश्चन तो आप सेशन को इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें इस वीडियो को मैक्सिमम पॉसिबल जितना पॉसिबल है उतना शेयर करें अपने सभी सोशल साइट पर शेयर करें वो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो चाहे फेसबुक हो सभी जगह शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक आप से बच्चों तक ये वीडियो पहुंच चाहिए इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है ठीक है थैंक यू सो मच गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू